लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है और क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगी, वोट किस करवट बैठेगा? वोट तो करवट बैठ चुका है और कांग्रेस के पक्ष में बैठा है। जनता का जो विश्वास वहां देखने को मिला वो विश्वास था कमलनाथ जी का 9 महीने का 10 महीने का कार्यकाल और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जिससे किसान भी नाराज था, आम आदमी नाराज था, युवा नाराज था, पूरे जोश और उत्साह साथ मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस के पक्ष में, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया जी की होगी। आप सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पर आए हैं, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा सड़क मार्ग को लेकर बयानबाजी आती है, क्या लगता है MP की सड़कों की हालत किस स्थिति में है? देखिएगा, हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और शायद आप लोग भी सहमत होंगे कि पिछले 15 वर्षों में हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था के बारे में वहाँ मामला हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें गड़बड़ियाँ ना हुई हो, भ्रष्टाचार ना हुआ हो। आज हालत यह है कि कोई भी रोड की बात करें, कोई भी सड़क की बात करें, अभी इस साल बारिश का बहाना बना रही भारतीय जनता पार्टी सरकार, ज़्यादा बारिश की वजह से सड़कें टूट गई। हमारा आपके संज्ञान में बात होगी, जो भी मापदंड के हिसाब से सरकार जो भी बनाती है सड़कों का मापदंड तैयार करती है, उस मापदंड के हिसाब से यदि सड़कें बनी होती कितनी बारिश हो जाती, कितने ओवरलोड डंपर निकलते, कितने ओवरलोड ट्रक निकलते, उसके बाद भी सड़क नहीं टूटना चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि वो गारंटी और वारंटी वाली सड़कें भी इस मौसम में क्षतिग्रस्त हुई हैं। कहीं ना कहीं वो ठेकेदार जो भारतीय द्वारा जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पोषित थे, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषित थे, जिनकी वजह से आज भ्रष्टाचार की वजह से रोड गड़बड़ हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने रोडी मंत्री हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा जी को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको ठीक किया जाए। सर, अभी इंदौर में एक यूनिवर्सिटी को लेकर एक सम्मिट हुआ था, बड़ा आयोजन सम्मिट हुआ था, तो कितनी संभावना लगती है MP को लेकर, उद्योग विभाग को लेकर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पूरे देश के औद्योगिक घराने आए थे, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, उनके विकास पर विश्वास किया है और कहीं ना कहीं एक बात सामने जो आई है कि पहली बार पूरे प्रदेश के नेतृत्व के प्रति पूरे देश के उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन्होंने विश्वास के साथ ये व्यक्त भी किया है। आप सबके संज्ञान में होगा, उन्होंने कहा कि मैं मध्यप्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह ने अभी गायों को लेकर ट्वीट किया था कि कमलनाथ जी को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और इस कमलनाथ जी ने भी इसका जवाब ट्वीट से दिया था, तो क्या लगता है MP में गायों की कहाँ किस स्थिति में है? देखिएगा, हमने जब सरकार के पूर्व वचन पत्र में हमने रखा था कि गौशाला हम बनाएंगे और गौओं के संरक्षण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, चूँकि अभी 9 महीने की सरकार के कार्यकाल में लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा का सत्र भी रहा, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सारी कार्ययोजना गाँव के संरक्षण के लिए बनाई है, बहुत सारी गौशालाएँ हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारी कार्ययोजना पर हम लोग काम कर रहे हैं और दिव्य सिंह जी की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है और दिव्य सिंह जी क्या पूरा मध्यप्रदेश का जनमानस से चाहता है कि हम गाय को संरक्षण दें, उनको संवर्धन दें, क्योंकि गाय हमारी माता होती है और उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा परिवेश तैयार हो कि जो आए दिन जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर रोक लग सके। कांग्रेस को लेकर लगातार गुटबाजी सामने आती है और बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने दावा किया है कि झाबुआ चुनाव के होने के बाद कांग्रेस सरकार नहीं रह पाएगी, तो इस बारे में क्या लगता है, कितनी सच्चाई?
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो कुशासन से ग्रसित थी, भ्रष्टाचार में सर्वोच्च थी, और सबसे बड़ा बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो अपना परिवार अपना घर तो संभाल लें। हमारे कहाँ इस परिवार पे लंछन लगाने के पहले, आरोप लगाने के पहले, कोटवाली को छोड़ने के पहले ये तो देख लें कि कितने गुट हैं, कितने मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। शिवराज सिंह जी को 24 घंटे नींद नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री पत्र दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी दिल्ली से निगाह लगाए बैठे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी अहमद शाही जी की परिक्रमा लगाए हुए बैठे हैं कि हमारे लिए मुख्यमंत्री पद मिल जाए। यहाँ पर गोपाल भार्गव जी अलग तैयार बैठे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी अटैची लेके तैयार बैठे हैं। पहले तो ये तय हो लो कि मुख्यमंत्री किसको बनना है। और जहाँ तक मध्यप्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, लगातार 4.25 साल पूरा कार्यकाल पूरे करेगी। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, इस 4.25 साल के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल को देखकर जनता जनार्दन पुनः एक बार हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक बार पुनः मौका देगी और अगले 5 साल बाद फिर हमारे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मेरा ये मानना है, जो हमने 15 वर्ष के कार्यकाल देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और आज हमारे 9 महीने के 10 महीने के कार्यकाल का हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के पत्रकार लोग हों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे किसान हो चाहे युवा हो, हर आदमी के मन में एक जोश और उत्साह है कि हमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसा व्यक्ति मिला है, इसको हमें मजबूत करना है। और जिस हिसाब से हमने 9 महीने में काम करके दिखाए हैं, 100 वचन पूर्ण करके दिखाए हैं, वो एक विश्वास पैदा हुआ है। वो विश्वास था कमलनाथ जी का, वो विश्वास था विकास का, वो विकास जो छिंदवाड़ा में हुआ वो मध्यप्रदेश में होगा।